हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निखत फ्रॉम होम्यो केयर क्लिनिक। क्या आप जानते हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया में 20 लाख कैंसर के नए केसेस सामने आ रहे हैं और कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे अधिक संख्या जो है वो लंग कैंसर के मरीजों की है। लंग कैंसर की इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए WHO हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के तौर पर मनाता है, जिसका उद्देश्य लंग कैंसर को लेकर कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना है। अब लंग कैंसर होने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो धूम्रपान है, लेकिन लंग कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को होता है, ये मानना जो है ये मान्यता बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो चेन स्मोकर के लगातार कॉन्टैक्ट में है उसे भी पैसे स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होने के उतने ही चांसेस हैं। सेकेंड कॉज जो है वो एयर पोल्यूशन है या ऐसी चीज़ों का उपयोग करना जिसमें निकोटीन की अधिक मात्रा है। इसके लक्षणों में पहला लक्षण जो है वो लंबे समय तक चल रही खांसी है, जिसमें बलगम में कभी कभी खून का आना है या तेज़ी से वेट लॉस होना है या सांस लेने में दिक्कत होना है। जब आप एलोपैथिक वे में जाएंगे तो वो आपको 3 तरीके की ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, जिसकी वजह से आपको बंच ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स जो को फेस करना होता है, जिसमें बालों का झड़ना या इम्यूनिटी का सप्रेस होना है। लेकिन जब आप होम्योपैथी वे में आते हैं, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, तो ये बहुत ही सेफ और जेंटल है। ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कैंसर से लड़ने में आपकी बहुत सहायता करते हैं। यही नहीं, अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए तो सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल भी है। जब आप होम्यो केयर क्लिनिक में आते हैं तो यहाँ के क्वालिफाइड और एक्सपर्ट डॉक्टर ना सिर्फ कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, बल्कि इसे रूट कॉज से ख़त्म करके आपको हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाते हैं। सो अगर आप या आपके कोई जानने वाले, इफ़ यू एंड योर लव्ड वंस आर सफरिंग फ्रॉम लंग डिजीज या लंग कैंसर, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज ऑन दिस वर्ल्ड लंग कैंसर डे होम्यो केयर क्लिनिक ऑफर्स यू अ फ्री कंसल्टेशन फॉर लंग कैंसर पेशेंट। तो आइए हम और आप मिलकर एक स्मोक फ्री जीवन जीने का संकल्प लें।